हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल म्यूजिक वर्ल्ड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री न्यूज अपने वीडियो में डेली कवर करता हूं, चाहे वो बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर यूट्यूब म्यूजिक इंडस्ट्री ही क्यों ना हो। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली न्यूज है डीजे चेतेश के बारे में। तो डीजे चेतेश फादर बन चुके हैं और ये न्यूज उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करके बताई और लिखा कि क्वारंटाइन वाजंट सो बोरिंग आफ्टर ऑल। समझ रहे हो आप। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। अगला न्यूज है कर्मा के बारे में। तो कर्मा का सॉन्ग न्यू कमर स्पॉटिफाई पे 1 मिलियन स्ट्रीम हो चुका है। तो बात कर लेते हैं उन हिंदी सॉन्ग के बारे में जो रिलीज होने वाले हैं। तो ममता शर्मा का न्यू बर्थडे मैशअप रिलीज होने वाला है वन म्यूजिक ओरिजिनल के चैनल पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। और ये सॉन्ग रिलीज होगा 7 सितंबर को। तो देखते हैं ये सॉन्ग कैसा होने वाला है। अगली न्यूज है प्रिंस नरूला के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ नया आ रहा है बहुत जल्द, 5 गाने बैक टू बैक, जिसमें से ये मेरा अच्छा सोचा हुआ एक्सपेरिमेंट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये शूट किया है गौरव मेहरा ने। डो पे हमारे वन एंड ओनली डो वीक, और जो डांस करवाया है वो लड़का है ठाकुर, बाकी ये कास्टिंग गाना आने पे। अगली न्यूज है बेला के बारे में। तो बेला का न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है सशवंत के साथ, और इस सॉन्ग का नाम है जाने वो कैसा पल था। अभी तक इस सॉन्ग का रिलीज अनाउंस नहीं हुआ है, पर जैसे ही म्यूजिक पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। अगली न्यूज है 47 के बारे में। तो 47 का न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है कलमकार म्यूजिक लेबल के अंडर, और इस सॉन्ग का नाम है असली इंडिपेंडेंट, और इस सॉन्ग का रिलीज अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक, पर जैसे म्यूजिक पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। अगली न्यूज है टोनी कक्कर के बारे में। टोनी कक्कर का न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है देसी म्यूजिक फैक्ट्री चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है चॉकलेट, और इसके वीडियो सॉन्ग में फीचर कर रहे हैं अवनीत कौर एंड रियाज अली। सॉन्ग का रिलीज डेट है 8 सितंबर को। अगली न्यूज है आर्शा के बारे में। तो आर्शा का न्यू सॉन्ग का टीजर रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है सजदा, और इस टीजर ने बस 3 आवर में 29 के व्यूज एंड 6.5 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं, और एमटीवी असल के बाद उनका ये पहला सूफी सॉन्ग होने वाला है। तो बात कर लेते हैं उन हिंदी सॉन्ग के बारे में जो रिलीज हो चुके हैं। तो दिलजीत दोसांझ का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है बॉर्न टू शाइन, और इस सॉन्ग ने बस 3 आवर में ही 502 के व्यूज एंड 138 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं, एंड करेंटली ये सॉन्ग इंडिया में नंबर 2 पे एंड कनाडा पे नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है। अगले न्यूज है यासिर देसाई के बारे में। तो यासिर देसाई का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है जी म्यूजिक कंपनी के चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है दिल का है, और इस वीडियो सॉन्ग में फीचर कर रहे हैं अभिषेक निगम एंड कनिका मान, और इस सॉन्ग ने बस एक ही दिन में 1.4 मिलियन व्यूज एंड 22 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है राहुल जैन के बारे में। तो राहुल जैन का न्यू कवर सॉन्ग रिलीज हो चुका है पहचान म्यूजिक के चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है बिन तेरे क्या है जीना, और इस सॉन्ग ने बस 22 आवर में 31 के व्यूज एंड 2.7 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है तुलसी कुमार के बारे में। तुलसी कुमार ने अपने चैनल पे जान बन गए का कवर वर्जन रिलीज किया है, और इस कवर वर्जन ने एक ही दिन में 11 के व्यूज एंड 1.4 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है जैस्मिन सैंडल्स के बारे में। जैस्मिन सैंडल्स का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है पंजाब दे जावक, और इस सॉन्ग ने बस 2 ही दिन में 319 के व्यूज एंड 25 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है सुखी के बारे में। सुखी का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है जूती कसोरी, और इस सॉन्ग ने बस 4 आवर में ही 13 व्यूज एंड 1.3 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है ऐश के बारे में। तो ऐश का न्यू कवर सॉन्ग रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, और ये कवर है बीटीएस का सॉन्ग डायनामाइट का, और इस सॉन्ग ने बस एक ही दिन में 404 के व्यूज एंड 50 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है मुफर के बारे में। तो मुफर का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है आमीन, और इस सॉन्ग ने बस 6 आवर में 82 के व्यूज एंड 22 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है दिल बेचारा मूवी के बारे में। दिल बेचारा मूवी का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है सोनी म्यूजिक इंडिया के चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है नेवर से गुड बाय, और इस सॉन्ग का सिंगर है एआर अमीन, और इस सॉन्ग ने बस 7 आवर में 133 के व्यूज एंड 20 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है गिप्पी ग्रिवाल के बारे में। तो गिप्पी ग्रिवाल का न्यू सॉन्ग का टीजर रिलीज हो चुका है गीत एमपी3 के चैनल पे, और इस सॉन्ग का नाम है एवे कीवे, और इस सॉन्ग के टीजर ने बस 7 आवर में ही 439 के व्यूज एंड 47 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो डीजे खालिद और ड्रेक का सॉन्ग पॉपस्टार का ऑफिशियल वीडियो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के टॉप ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो की लिस्ट में, और ये सॉन्ग बस 16 आवर में 6.1 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है, और ये यूएस के यूट्यूब के ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। तो जैसे मैंने बताया था कि पॉपस्टार का ऑफिशियल वीडियो में ड्रेक को रिप्लेस करके जस्टिन बीबर को लिया गया था, तो आपके हिसाब से इस वीडियो में किसे फीचर करना चाहिए था, आप इस पोल में बता सकते हैं। तो बात कर लेते हैं उन इंग्लिश सॉन्ग्स के बारे में जो रिलीज हो चुके हैं। लिल वेन का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, और सॉन्ग का नाम है बिग वर्ल्ड, और सॉन्ग ने बस 2 ही दिन में 1.5 मिलियन व्यूज एंड 78 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली न्यूज है ट्रेविस स्कॉट और बिग सिन के बारे में। तो इनका न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है बिग सिन के चैनल पे, और सॉन्ग का नाम है लिथुएनिया, और सॉन्ग ने बस एक ही दिन में 1.5 मिलियन व्यूज एंड 106 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं।
अगली न्यूज जे बेलविन डेडी अंके सी चैन रोजाइला फारूको के बारे में। तो इनका एक न्यूज सॉन्ग रिलीज हो चुका है SH चैनल पे। इस सॉन्ग का नाम है रिलेशन रिमिक्स और इस सॉन्ग ने बस एक ही दिन में 5.7 मिलियन व्यूज एंड 522 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सारे रिलीज सॉन्ग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके वहां से देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली लाता रहता हूं। वीडियो लाइक करें अगर अच्छा लगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।